हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल्थ ट्रेडिंग एकेडमी। टुडे इज 16। हम लोग 17 के लिए, वीक के लिए पूरे एनालिसिस देख रहे हैं। नेक्स्ट वीक के लिए क्या एनालिसिस होगा। फ्राइडे को पता होगा कि एक बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ, जहां पे एक हर्डल हमने ड्रॉ करके रखा था। अगर किसी ने मेरा थर्सडे का वीडियो देखा रहेगा तो मैंने वहां पे क्लियरली एक मेंशन किया था कि 11,375 के ऊपर अगर मार्केट गया तो ही हम लोग बुलिश रहेंगे, अदरवाइज हम लोग बेरिश रहेंगे। और यहाँ पे अगर कुछ मुझे सिग्नल मिलता है तो हम लोग बाय के लिए चल सकते हैं, या यहाँ पे कुछ सिग्नल मिलता है तो हम लोग बाय के लिए चल सकते हैं 11,000। ये मेरे लाइंस थर्सडे के लेक्चर्स में ड्रॉ करके रखा था मैंने। यूट्यूब पे हम लोग मैंने डाउन अपलोड किया, आप वीडियो जाके देख सकते हो। तो थर्सडे के दिन क्या हुआ वो एक बार 2 मिनट में देख लेते हैं। थर्सडे के दिन क्या हुआ, यहाँ पे कंटिन्यूअसली हर्डल आ रहा था। देखो यहाँ पे फिर से कितनी बार हर्डल, ये दो, हर बार वहां पे जाके ये जनरली ट्रिपल टॉप बनाया था। अगर देखोगे तो यहाँ पे डाइवर्जेंस बने थे और उसके बाद में एक डाउनफॉल दिया, और यहाँ पे एग्जैक्टली उसने जाके यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है 11,130 का, एक हैमर टाइप दिया है। तो अभी ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो चुका है। इसके नीचे 11,070 के नीचे अगर मार्केट क्लोज होता है तो ही अभी हम लोग में बेरिश हो जाऊंगा एक बार के लिए, अदरवाइज ये फिर से यहाँ से बाउंस बैक। देखो ना, बहुत बार यहाँ से ही बाउंस बैक हुआ है, सेम सेम हैमर लेके यहाँ से एक बाउंस बैक हुआ था। आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम स्ट्रक्चर नेक्स्ट वीक। अगर 11,250 के ऊपर जाता तो अगेन एक 11,300-350 तक ये इजिली मूवमेंट कर सकता है। तो 130 अभी भी मैं बुलिश के लिए बेट लगाऊंगा नेक्स्ट वीक के लिए। यहाँ पे अगर आपको मिलता है या यहाँ पे अगर मिलता है तो स्टॉप लॉस बुक काफी कम रहेगा। 11,050 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाय करके उसको छोड़ सकते हो। ये था मेरा अभी नेक्स्ट वीक के लिए, मतलब कल के लिए मैं एनालिसिस बता रहा हूँ। और एक मैंने बात बताई थी, मैंने क्या बोला था, देखो एक रेंज, ये जब भी डोजी कैंडल बनाता है ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ये 4 कैंडल की रेंज है, ये रेंज को मैंने एक मार्क करके रखा था और आपको बोला था ये रेंज दोनों साइड में आपको इंपॉर्टेंट। अगर ये ब्रेकआउट होता तो आप नीचे देख सकते हो। तो जैसे ये 11,250 ब्रेकआउट हुआ तो देखो ना डायरेक्टली दो डोजी है, डोजी का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे जाके वो रुका है बराबर। तो कोई तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकता है, क्योंकि ये रेंज मैंने ऑलरेडी थर्सडे को बताई थी कि ये रेंज अगर ब्रेकआउट हो जाएगी तो एक साइड स्ट्रांग हो सकता है। तो अभी ये 120 और ये जो दिख रहा है 11,160, ये देखो कितनी बार उसने ये सपोर्ट लिया हुआ है, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा अभी। ठीक है, तो कल के लिए मैं हैमर बनाया है, तो हैमर का यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट अगर आता है 11,150 या 11,130 तक अगर मुझे बाइंग के लिए मिलता है तो मैं बाय करके चलूंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे काफी बढ़िया हम लोग स्टॉक एनालिसिस दे रहा हूँ मैं आजकल। मैंने एक नया सिस्टम चालू किया कि डे चालू होने से पहले ही आपको स्टॉक्स दे देता हूँ पूरे दिन के, तो आपको भी एक एनालिसिस और वैल्यू पुटअप करने के लिए, ऐड करने के लिए टाइम मिल जाता है। और जो भी कुछ मैं एनालिसिस वगैरह बता रहा हूँ वो डिस्क्लेमर में मैंने डाला है, ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज के लिए। बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी का भी देखो, ये डेली में एक बड़ा तगड़ा कैंडल आया एज कम्पेयर टू निफ्टी। आप देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 कैंडल्स का जो बाउंस था या 7 कैंडल्स का बाउंस था, एक कैंडल ने खा लिया। तो मार्केट गिरने के टाइम ग्रेविटी ऐसे होती कि वो धड़म करके गिर जाता है। ठीक है, तो दैट इज द पॉसिबिलिटी पावर ऑफ बियर। तो ये जो भी कुछ है देखो, एक बड़ा कैंडल बना है। ठीक है, इसको अगर आप यहाँ पे देखोगे आवरली पे तो देखो ये भी एक रिजेक्शन कैंडल है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल डोजी टाइप बना हुआ है। ठीक है, तो और उसके बाद में एक फॉलोअप नहीं आया इसको, तो ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 21,400 का, उसके स्टॉप लॉस के साथ हम लोग बाय करके चल सकते हैं। एक 22,000 मेरा एक फर्स्ट टारगेट रहेगा। इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज होता है तो अगेन हम लोग यहाँ पे 23,000, 22,500 और 23,000 के लिए जा सकते हैं। तो कल भी मेरा बाय ऑन डिप्स है कि यहाँ पे आप बाय करके चल सकते हो। 21,040 के नीचे जाएंगे, मतलब 21,000 पकड़ो, उसके नीचे अगर क्लोजिंग होता है तो हम लोग स्ट्रॉन्ग बेरिश मान के चल सकते हैं। बट अदरवाइज ये शेकआउट भी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक बहुत बार वहां पे हर्डल ले रहा था ये कैंडल्स के। यहाँ पे देखो ना कितनी बार यहाँ पे हर्डल, अगर आप ये 15 मिनट्स में देखोगे या 30 मिनट्स में देखोगे तो ये बहुत बड़ा रिजेक्शन कैंडल एरिया था 22,300 यहाँ से। तो ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो ये काफी बड़ा रिजेक्शन कैंडल का एरिया था, तो वहां से ही मार्केट डाउन है।
और मार्केट में डाइवर्जेंस काफी अच्छे चलते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा डाइवर्जेंस का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिए। डाइवर्जेंस विद आपके लेवल्स अगर आपके पास है ना, देखो मैं कोई भी इंडिकेटर नहीं यूज कर रहा, बिकॉज मुझे एनालिसिस आपको अगर सिखाना है तो लेवल्स, ट्रेंड लाइंस और डाइवर्जेंस के प्राइस एक्शन के बेस ही मुझे बताना पड़ता है। वैसे मैं पर्सनली इंडिकेटर में बोलूँ तो एक RSI बॉलिंजर बैंड मैक्सिमम MACD यूज करता हूँ, ठीक है। उसके वीडियोस मैंने ऑलरेडी पोस्ट किए हुए, आप देख सकते हो, ठीक है। तो अभी बैंक निफ्टी अभी भी सपोर्ट पे खड़ा है क्योंकि अवरली में एक रिजेक्शन कैंडल आया मुझे, डाउन साइड रिजेक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो शॉर्ट्स किए थे वो लोग फंस चुके हैं, ठीक है। तो यही है मेरा कल के लिए, अभी हम लोग बाय करके ही चलेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस। यहाँ पे अगर मुझे मिलता है तो मैं और बाय करूंगा यहाँ पे, और फर्स्ट टारगेट मेरा 22,000 रहेगा, 22,300, वो भी ब्रेक किया तो 23,000 के लेवल्स के लिए हम लोग कमिंग वीक में देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया रहेगा तो आप लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।